दोस्तों क्या आपको पता है जो महिलाएं बाहर से दुबई में जॉब करने जाती हैं उनके साथ क्या होता है और कैसे दुबई के अमीर लोग इंडियन लड़कियों को और महिलाओं के साथ जबरदस्ती शोषण करते हैं। और क्या आप जानते हैं दुबई में इंडियन महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और कैसे जॉब के बहाने उन लड़कियों का गलत फायदा उठाया जाता है और कैसे उन लड़कियों को एक देश से दूसरे देश में सप्लाई की जाती है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है दुबई का कफला सिस्टम और क्यों इसे आधुनिक गुलामी का प्रतीक माना जाता है। कफला सिस्टम अरब देशों का वो सिस्टम जो हर साल हजारों भारतीय लड़का और लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा कर उसे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेते हैं। यहाँ हर तरह से उसे एक्सप्लोइट किया जाता है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। यहाँ हम उन भारतीय लड़कों और लड़कियों की बात नहीं कर रहे जो इन खाड़ी देशों में अपने स्किल की बदौलत काम करने जाते हैं, अब चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर कुछ और। यहाँ बात हो रही है उन लड़कियों और महिलाओं की जो यहाँ घर के काम करने के लिए या फिर मजदूरी करने के लिए जाती है। इस सिस्टम का शिकार सबसे ज्यादा भारत की लड़कियां इसलिए होती है क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा गरीबी, भारत में अक्सर गरीब लोगों के घर में ये देखने को मिलता है कि घर का मुखिया शराब के नशे में डूबा हुआ रहता है, जिसकी वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी बड़े बेटे या फिर बड़ी बेटी को उठानी पड़ती है। इसी का फायदा उठाते हैं ये कफला सिस्टम वाले लोग। ये लोग ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ कर उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो जितने कम पैसे में यहाँ जितना ज्यादा काम करते हैं वो उसी काम के लिए उन्हें हर घंटे इन्हीं खाड़ी देशों में हजारों रुपए दिलवा सकते हैं और यहीं से उनका खेल होता है शुरू। अक्सर गरीबी से परेशान लड़के और लड़कियां उनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए निकल पड़ते हैं अपने घर से मीलों दूर। अब जब वो लोग यहाँ आते हैं तो कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता है, फिर ये लोग इन्हें परेशान करना शुरू करते हैं। पहले तो काफिला इनके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, फिर इन्हें मजबूर कर देते हैं कि ये हर तरह से शोषण करवाने के लिए राजी हो जाए। अपने सोशल मीडिया पर कई लड़के और लड़कियों की वीडियो जरूर देखी होंगी जब वो लोग वहां जाकर कैसे पूरी तरह से फंस चुके हैं उसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों कफाला सिस्टम को समझने से पहले कफिल के बारे में जान लेते हैं। कफिल का मतलब होता है स्पॉन्सर, हिंदी में कहे तो जिम्मेवार। कफाला यानी वो तरीका जब आप अपने देश में मेहमान को बुलाते हैं। माइग्रेट वर्कर्स को गेस्ट वर्कर्स भी कहा जाता है। खाड़ी देशों के ज्यादातर देश कफालत सिस्टम के जरिए ही प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ काम पर रखते हैं। एक श्रमिक के रूप में जब आप इन देशों में एंट्री करते हैं तो वो एंट्री कफाला के तहत ही होती है और फिर श्रमिक कानून आप पर लागू होते हैं। दरअसल गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए किसी भी बाहर से आने वाले लेबर को एक कफिल की जरूरत होती है, यानी कि एक एजेंट की जरूरत होती है। ये एजेंट पहले ऐसे लड़कों और लड़कियों को ढूंढते हैं जिसे काम की जरूरत होती है। जब वो आदमी मिल जाता है तो वो उसे काम के बारे में बताते हैं। अगर वो आदमी उस काम को करने के लिए राजी हो जाता है तो वो कफला उस व्यक्ति से कुछ पैसे लेकर उसके पासपोर्ट से लेकर वीजा तक बनाने की जिम्मेदारी ले लेता है। ये काफिला ही वो व्यक्ति होता है जो श्रमिक की हर चीज तय करता है, जैसे वो क्या काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, सैलरी कितनी होगी, उसके रहने का प्रबंध इत्यादि। यहाँ तक तो सब ठीक चलता है। असल दिक्कत तब आती है जब एक काफिल काम देने वाला व्यक्ति या प्रवासी मजदूर के सारे कागजात, चाहे वो पासपोर्ट हो, वीजा हो या अन्य कोई चीज, ये उनके सारे लीगल पेपर्स अपने पास रख लेता है। एक तरीके से काम करने वाले मजदूर की जिंदगी का हर फैसला उसे काम देने वाले से जुड़ जाता है, क्योंकि काम देने वाले को कफालत सिस्टम के तहत इतनी ताकत दी जाती है कि वो अपनी मर्जी से मजदूरों के साथ जो चाहे वो कर सकता है। इस कफला सिस्टम की सबसे बड़ी खामी ये मानी जाती है कि आप बिना कफिल की अनुमति के देश को नहीं छोड़ सकते, यहाँ तक कि उसकी मर्जी के बगैर जॉब भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, बैंक खाते खुलवाना हो या फिर लोन लेने की जरूरत हो तो आप अपने कफिल की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते, ये भी आपको उनके परमिशन से ही लेना होगा। आपको बता दें कि इस कफला सिस्टम के थ्रू जितने भी लोग अरब देश जाते हैं उनमें से अधिकतर लोगों को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब चाहे वो लड़का हो या लड़की, कई मामलों में तो ये भी देखा गया है कि कफिल दूसरे देशों के गरीब घर के लड़कियों को अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी के नाम पर उन्हें अरब देश ले जाते हैं और वहां उनसे उनके सारे लीगल पेपर्स लेने के बाद उनके साथ शारीरिक शोषण करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके पास लीगल पेपर ना होने की वजह से अब ना तो वो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव के पास जा पाती है और ना ही वो वापस घर लौट पाती है। ऐसे लाखों एशियाई मजदूर है जो खाड़ी देशों में काम करते हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि इन मजदूरों का शोषण आम बात है और इनकी कहीं सुनवाई भी नहीं होती। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स सिस्टम को एक तरह का बंधुआ मजदूरी या गुलामी कहकर इसको क्रिटिसाइज करती है। हालांकि कुछ ऐसे भी खाड़ी देश है जो इस कफला सिस्टम को बंद कर चुके हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में घोषणा की है कि वो कफालक सिस्टम में बदलाव करने जा रहा है।